कांग्रेस नेता राजीव कौल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीरी विस्थापितों के लिए पैकेज घोषित करने की मांग की। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा। कौल ने कहा कि अब जब प्रधानमंत्री कश्मीरी विस्थापितों के दर्द को समझते हैं तो उनको उनके लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि कश्मीरी विस्थापित उसका फायदा ले सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि कश्मीर फाइल्स फिल्म का जो भी प्रॉफिट हो वो भी कश्मीरी विस्थापितों को दिया जाए। स्टेट लीडर कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक पिक्चर देखकर पता चला कि कश्मीरी पंडितों की हालत क्या हो। कितने अफसोस की बात है, एक जो प्रधानमंत्री हमारे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, उन्होंने आज उनको वो कह रहे हैं अपने देश में। और जब सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का 1989 में, तब वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, आज उनको तब पता नहीं चला। आज वो 8 साल की उनकी परिकाष्ठा देखिए, उनका वोट की उनका लालच देखिए, हर चीज को वो वोट में तब्दील करना चाहते हैं। हर लोगों का दर्द है उसको वो वोट से मिलाते हैं। उनको कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं बांट रहा है, उनको उस कश्मीरी पंडितों का दुख को उसको कैश कर रहा है, तभी वो कश्मीरी। मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग आज आपके सामने क्यों बैठे हैं, सरदार मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, वो जब प्रधानमंत्री के रहते हुए कश्मीरी पंडितों के जो उनके जो कैंप थे, रिलीफ कैंप का उन्होंने दौरा किया था, क्या प्रधानमंत्री ने किया है? क्या वो जो हमारे देश के जो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है, क्या उन्होंने किया है? अगर इन्होंने कब किए किसी कश्मीरी पंडित के घर में जाके इन्होंने दुख दर्द बांटा है? आज वहाँ पे हत्याएं हुई है, जो पीएम पैकेज कांग्रेस के पीएम पैकेज के तहत वहाँ पे जाके कुछ लोग जो वो अपनी नौकरी कर रहे थे, अपने बच्चों का जो है उनका जीवन यापन के लिए करो वहाँ पे कर रहे थे, काम छोटा मोटा काम कर रहे थे या कोई नौकरी कर रहे थे, उनको वहाँ पे दर्दनाक सेलेक्टिव किलिंग की गई। क्या कोई प्रधानमंत्री या कोई होम मिनिस्टर उन कश्मीरी पंडितों के घर में जाके दुख दर्द बांटा उसे? नहीं, उनको सिर्फ विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर के थ्रू वो कहते हैं मुझे पता चला। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग जो है वो देश के ऊपर बैठे हुए। उनको कश्मीरी पंडित जो आज भी दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, 32 साल में अपना जो दर्द और दंश इन्होंने झेला है, आज उसको हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो आपके सामने बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि हमें 32 साल में जो कम्युनिटी है आज उसको क्या परेशानियां हुई। आज एक पिक्चर आ गई, ऐसी देश में 47 के बाद बहुत सी पिक्चर्स बनी है, तो क्या हम पिक्चर देखकर देश चलाएंगे? एक पिक्चर के पहले ही वो डिस्क्लेमर आता है कि ये जो पिक्चर है इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूँ हमारे जहाँ भी जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बहुत गलत था। आज भी अगर आपने दिखाना था तो आप पूरा सच दिखाते, आप ये दिखाते। मैं पिक्चर वालों से कहना चाहता हूँ, आप ये दिखाते कि उस वक्त सरकार किसकी थी, गवर्नर कौन था, उस वक्त सेंटर में किसने सपोर्ट किया था बीजेपी, ये बताए। ये बीजेपी वो पार्टी है, मैं प्रेस को बताना चाहता हूँ, जो मसरत आलम को रिहा करती है, 10,000 पत्थरबाजों से केस वापस लेती है श्रीनगर में, और यहाँ से कोट भलवाल जेल से उग्रवादियों को लेकर और कंधार में छोड़ती है। ये वो पार्टी है जो हमें कह रही है कश्मीरी पंडितों का आज जो दुख दर्द है उसकी बात मेरे सामने बैठे हुए जो हमारे राजीव कौल जी है वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। राजीव कौल साहब, ये कहना है कि ये जो फिल्म है ये संयोजित और प्रायोजित है, ये टोटल कमर्शियल बेस है जिसमें कोई सच्चाई आधी दिखाई आधी छुपाई। अगर वो ये बता देते कि किसकी गवर्नमेंट थी, क्या कौन सपोर्टेड था, और पलायन 19 जनवरी से स्टार्ट होके अप्रैल तक चलता है, तो क्या उसको रोका जा सकता था? श्रीनगर में सिक्योरिटी दी जा सकती थी, आर्मी कैंट में इनको रखा जा सकता था, ना ये दरबदर होते और समय के साथ पहचान भी हो जाता। आज जबकि उनकी वापसी की और सारी तैयारियां और बात चल रही है, ये फिल्म ने आके ये दर्द फिर हरा कर दिया। जो 32 साल का बच्चा, यानी जो उस समय पैदा हुआ जिसने ये सीन नहीं देखा, आज उसके अंदर भी दर्द हो गया कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, हमारे फीमेल्स के साथ क्या हुआ, हमारे बाप दादों के साथ क्या जुल्म हुआ। तो गवर्नमेंट का काम होता है जख्म पे मरहम लगाना, जख्म को कुरेदना। तो
आज बीजेपी के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस फिल्म की मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग के अपने एमएलए भी लगा देंगे मार्केटिंग करो इस फिल्म को करो। मैं कहता हूँ इस फिल्म का जितना प्रॉफिट है प्रधानमंत्री जी को और अग्निहोत्री जी को ये प्रॉफिट कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट्स के वेलफेयर में डोनेट करना चाहिए, बना देनी चाहिए एक ट्रस्ट कि ये उनके देख दिखाओ इतनी कमाई हो गई है 200 करोड़ तो मैंने कुछ दिन पहले सुना था अब तो 400 से ऊपर हो गया होगा, तो दे दें उनको ताकि उनका एक रोड भी कम हो जाए गवर्नमेंट का इनकी सेटलमेंट हो जाए। ये वो कभी नहीं बताते इस 32 साल में 15 साल बीजेपी की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट रही। जब माइग्रेशन हुई मोदी जी जे एंड के पर बारी थे और तब तक भी उनको नहीं पता लगा और आज वो कह रहे हैं कि मुझे अब दर्द लगा फिल्म के आने से, तो मुझे लगता है मैं बच्चों को बैठ रही है खानी चाहिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ रही है।